हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है चंद्र प्रसाद पौडल ने और ये लिखते हैं, हाय शंकर सर, तांत्रिक अघोर बनने का कौन सा योग होता है जन्म कुंडली में? तांत्रिक अघोर, तंत्र मंत्र सिद्धि, तांत्रिक अघोर को अगर आपको समझना है तो आपको कुंडली के 8th हाउस को समझना है। कुंडली के 8th हाउस में अगर स्कॉर्पियो साइन आता है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में होता है, या शनि की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में होती है, या मंगल की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में होती है, राहु की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में होती है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर गेन हाउस में होता है, या 8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस को ही देख लेता है, तो कई बार तांत्रिक बनने का योग आपके बर्थ चार्ट में बन जाता है। आपका जो एसेंडेंट है, एसेंडेंट की राशि अगर स्कॉर्पियो है, मंगल की प्लेसमेंट अगर आपके एसेंडेंट के फर्स्ट हाउस में है, शनि की प्लेसमेंट अगर एसेंडेंट के फर्स्ट हाउस में है स्कॉर्पियो साइन में, और 8th हाउस का लॉर्ड अगर उसको देख लेता है या 8th हाउस का लॉर्ड भी अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है, तब भी आपके चार्ट में तांत्रिक बनने का योग बन जाता है। आपके बर्थ चार्ट में 10th हाउस यानी कर्मेश, अगर उसकी प्लेसमेंट 8th हाउस में होती है, 8th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर 10th हाउस में होती है, तब भी आपके बर्थ चार्ट में तांत्रिक बनने का योग बन जाता है। राहु, शनि और केतु अगर ये 8th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी बैठ जाते हैं, 8th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजिशन में होता है, अपने ओन साइन में होता है, अपने एग्जल्टेशन में होता है, तो शुरुआती जीवन में तंत्र मंत्र में काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन बाद में जाके आपको सक्सेस मिलती है। तो इसमें 8th हाउस के लॉर्ड को समझना है कि 8th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है, और 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेब्यूटेशन में हो, कम्बस्ट पोजीशन में हो, वीक पोजीशन में हो, एनिमी साइन में हो, तो आदमी तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व तो होता है लेकिन उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। शनि की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में होती है और शनि अगर अपने डेब्यूटेशन में होता है, राहु अगर अपने डेब्यूटेशन में होता है, तो तंत्र मंत्र के लिए इंसान पागल होता है, यानी ऐसा इंसान कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है और उसके चक्कर में कई बार अपना भी नुकसान कर लेता है और कई बार दूसरों का भी नुकसान कर लेता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजिशन में है, अपने एग्जल्टेशन में है और कम्बस्ट नहीं है, तो आप एक अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस होता है, स्पेशली अगर गेन हाउस में प्लेस होता है, तो तंत्र मंत्र के थ्रू कई बार आपको बहुत गेन भी होता है। 8th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर 4th हाउस में हो, 2nd हाउस में हो, अपने फ्रेंडली साइन में हो, अपने एग्जल्टेशन में हो, तो तंत्र मंत्र के कारण कई बार आपको प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ भी मिल सकती है। लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजिशन में होता है, तो तंत्र मंत्र के कारण कई बार आपका बहुत बड़ा लॉस भी होता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन भेजा है चंद्र प्रसाद जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने ऐसे क्वेश्चन भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि एक अच्छे तांत्रिक का कैसा बर्थ चार्ट होता है और एक बुरे तांत्रिक का बर्थ चार्ट कैसा होता है, और तंत्र मंत्र के थ्रू किन लोगों को बेनिफिट होता है, किन लोगों को लॉस होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तंत्र मंत्र के बारे में या एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मतलब स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मैं तंत्र मंत्र नहीं करता हूं और ना ही मैं आपको बोलूँगा कि तंत्र मंत्र में आप जाएं। तो अगर आप जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या कोई भी अगर आपकी क्वेरी है उसके बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।